दुआ करो कि आज काम मिल जाए, अभी तो जिम्मेदारी और बढ़नी है। जी वो सब तो ठीक है, पर ये लीजिए चाय पीजिए। अब तुम्हें किसी के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं मंजू। चलो अब मैं निकलता हूँ, ठीक है? आइए आइए डॉक्टर साहब, आपने जो रिपोर्ट्स निकलवाने को बोले थे वो मैंने निकलवा लिए, पर इसकी तबीयत आप देख लीजिए ना एक बार। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको, क्या हुआ इसे? देखिए मैंने आपकी रिपोर्ट्स तो सब देख लिए, पर सॉरी आपकी बीवी कभी माँ नहीं बन सकती। क्या? मेरी बीवी कभी माँ नहीं बन सकती? अरे किशन, इतना उदास क्यों बैठे हो यार? डॉक्टर ने कहा मेरी बीवी कभी माँ नहीं बन सकती। तुम एक काम करो, बाजू वाले गांव में ही एक अंतर्यामी बाबा रहते हैं, उनके पास सारी समस्याओं का हल होगा, तुम उनसे एक बार मिल लो। क्या वो मेरी बीवी को ठीक कर देंगे? हाँ कर देंगे। इसका मतलब मैं बाप बन सकता हूँ? बाबा प्रणाम। बाबा बोल बेटा, क्या पीड़ा है तुम्हारी? बाबा बाबा आपकी कृपा से सब ठीक था महाराज, परंतु मेरी बीवी, डॉक्टर ने कहा मेरी बीवी कभी माँ नहीं बन सकती। बाबा मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, बाबा आप भगवान हो, बाबा कुछ भी कर सकते हो। बेटा तेरा मन सच्चा है, लेकिन एक काम करता हूँ, मैं कल तुम्हारे घर आता हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। बाबा अरे घर पधारिए बाबा। नहीं किशन बेटा, मैं तुम्हारे घर में नहीं आ सकता। क्यों बाबा क्यों? तेरे और तेरे परिवार पर किसी की बुरी नजर है। नजर? मैं क्या कर सकता हूँ बाबा? किशन बेटा तुम चिंतित मत हो, मैं मेरे भक्त को ऐसे मुसीबत के वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं एक काम करता हूँ, मैं अगले महीने आता हूँ। बाबा जी अगले महीने आएंगे तो उसके लिए 5 लाख का चढ़ावा तैयार रखना। क्या हुआ जी, क्या बोला बाबा जी ने? अरे कुछ नहीं, बस अब सब ठीक कर देंगे वो। अरे उन्हें जरा काम आ गया था तो उन्हें जल्दी से वो चले गए, अब अगले महीने सिर्फ हमारे लिए इतनी दूर से आएंगे। 5 लाख एक महीने में, और किसे? इस ढोंगी बाबा को। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज, मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। बाबा
आपको कैसे समझाऊं? आप और मैं साथ हैं तो ही घर घर है। मुझे कुछ तो करना होगा, मैं इसे देखती नहीं रह सकती। किशन बेटा, पश्चिम की ओर उस पेड़ के नीचे तुम्हारी समस्या का हल है। जी बाबा जी। हाँ, वहां पे वहां जाके पेड़ के नीचे खोदो। बाबा जी, वहां पे तो कुछ नहीं मिला। किशन बेटा, मैं तुम्हारी पूजा निशुल्क करवा दूंगा। देख क्या रहे हो किशन, ये बाबा ढोंगी है, हमारा घर तोड़ने आया था ये बाबा, पकड़ो इसे किशन। मुझे क्या होना है जब तक तुम मेरे साथ हो। वैसे ये तुमने किया ना, मगर मंजू एक ख्वाहिश बन के रह जाएगी कि हमारी भी एक बेटी हो। इसका भी हल है क्या मंजू? क्या? कि हम एक बेटी को गोद भी तो ले सकते हैं। पर अरे, हमारा खून नहीं है तो क्या हुआ, हमारी परवरिश ही होगी जो उसमें निखर कर आएगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो।